बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ऑयस्टर मशरूम्स के लिए अलग अलग सब्सट्रेट के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनके सब्सट्रेट्स किन प्रकार के होते हैं। ये सब्सट्रेट ऑयस्टर मशरूम के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सब्सट्रेट है। ये सबसे सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला सब्सट्रेट है और इनमें भी गेहूं और धान यानी वीट और राइस स्ट्रॉस सबसे सही हैं। अगर आप घर पर ही मशरूम की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए वीट और राइस स्ट्रॉस ही सही रहेगा। स्ट्रॉस के डायमीटर सबसे आइडियल होने की वजह से माइसीलिया अच्छे से फैलते हैं। स्ट्रॉस बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मशरूम देगा और काफी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा ग्रोथ के लिए। कॉफी और बनाना के पत्ते साउथ अमेरिका में कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं मशरूम के लिए, इसलिए पत्तों को सुखाकर ऐसी जगह रखा जाता है जिससे उनकी कंपोस्टिंग ना हो। यह पत्ते गोल्डन ऑयस्टर, पिंक ऑयस्टर, व्हाइट ऑयस्टर जैसे मशरूम को ग्रो करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉटन सीड हल्स यानी बिनोला पतवार भी एक अच्छा सब्सट्रेट है मशरूम के लिए। इसका नाइट्रोजन कंटेंट भी कई स्ट्रॉस से ज्यादा होता है। इनमें ऑयल्स और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है जो मशरूम को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑयस्टर और पेटी स्ट्रॉ मशरूम के लिए ये सब्सट्रेट सबसे सही है। इनकी वैसे तो कोई कीमत नहीं होती लेकिन एक मशरूम ग्रोअर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। पेपर प्रोडक्ट्स जैसे न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह भी हम मशरूम के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब्सट्रेट ज्यादातर ऐसी जगह लिया जाता है जहाँ स्ट्रॉज एवं लकड़े अवेलेबल ना हो, जैसे रेगिस्तान या तो टापू। पेपर में लिग्निन सेल्यूलोज पाया जाता है जो कि माइसीलिया के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो अगर कॉमन सब्सट्रेट ना मिल पाए तो आपके पास अगर वेस्ट पेपर या कार्डबोर्ड हो तो वो आपके मशरूम के लिए काफी अच्छा सब्सट्रेट बन सकता है। गन्ने की खेती हो जाने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसे हम शुगर केन बगास कहते हैं और ये सब्सट्रेट हवाई और फिलीपींस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो रेसिडुअल शुगर्स होती हैं वो माइसीलिया को तेज गति से बढ़ाती हैं और ऑयस्टर मशरूम के लिए बहुत सही सब्सट्रेट है। कोकोपीट नारियल के छिलकों से बनता है और काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है खेती करने के लिए। मशरूम को उगाने में मॉइस्चर बहुत ही जरूरी होता है और कोकोपीट में पानी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। साउथ इंडिया के केरला में मशरूम उगाने के लिए कोकोपीट ही यूज किया जाता है। यह 100% ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली साबित है। तो गाइस ये थे कुछ सब्सट्रेट और ग्रोथ मीडियम जो हम मशरूम उगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई सब्सट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी मशरूमिंग, स्टे ट्यून्ड।